डिलीट मारो यहाँ जो भी है, जो वीडियो बना रहे थे इसकी डिलीट मार, ये येलो जोन में आता है तो उसे डिलीट कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, हम चल रहे हैं। नहीं सर, आपने बोल दिया, बात करता हूँ। तो भैया, इससे पहले कि सस्पेंस ज्यादा बढ़े, हम आपको मुखातिब कराते हैं इस व्लॉग के ट्रेलर से। इस कहानी की शुरुआत होती है दिल वालों के शहर दिल्ली से, जब एक 21 साल का लौंडा अपने दो दोस्तों के साथ I-10 पे सवार निकल पड़ता है यमुना एक्सप्रेसवे पे आगरा की तरफ। अब भैया 100 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद भूख तो लगनी ही थी, तो हम आ पहुंचे फूड कोर्ट के दर्शन करने, और हमारे साथ थे इस खेल के प्रोफेशनल खिलाड़ी। लेट्स हैव ऑलिव ज्यादा, कैप्सिकम, अनियन, क्यूकंबर काट दोगे क्या? टोमेटो। शिवांग क्या खा रहे? और जैसे ही शाम हुई, वो कहते हैं ना लोफी एस्थेटिक वाइब्स, वैसी वाली फील आने लग गई। सुबह के 6 बज गए हैं, हम ताजमहल की तरफ वॉक करते हुए जा रहे हैं। फिलहाल टिकट लेंगे, मेरे साथ अभी आरुषि जी हैं। हाय। शिवांग का भी कार पार्क करने गया हुआ है, कार पार्क करके वो बस पहुंचता ही होगा, तब तक हमें टिकट लेने का जिम्मा लिया है हमने। तो लेट्स सी कैसा सनराइज मिलता है आज हमें। और कैमरा बहुत भारी लगता है मुझे ब्लॉगिंग करते टाइम, बिकॉज अभी स्टार्टिंग है। आई डोंट नो आपको मेरे पीछे ताजमहल दिख रहा होगा या नहीं, बट मैं उल्टा चल रहा हूँ ताकि आप ताजमहल देख सकें। GoPro देना। क्या करेगा? अरे हाइपर लैप्स लेंगे, ज़्यादा हाइपर मत होइए। पूरा ताजमहल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खाली है, ऐसा लगता है सिर्फ हमारे लिए ही गेट खोली गई थी। पूरे ताजमहल में कोई नहीं है, तो आप देख सकते हैं पूरा मॉस खाली है हमारे सामने, और कोई नहीं है दूर दूर तक हम तीनों के अलावा। घूमने के बाद हमें भूख तो लगनी ही थी, तो हम चल पड़े पेट पूजा करने, और फिर खाना खाने के बाद हमने लिया एक छोटा सा आफ्टरनून ब्रेक। आगे के सफर के लिए दर्शकों से निर्देश है कि अपना इंश्योरेंस करवा लीजिए, क्योंकि रास्ता थोड़ा एडवेंचरस है। अब इतनी दूर आ ही गए थे तो सोचा भैया सनसेट तक रुक ही जाते हैं, और तब तक आप लुफ्त उठाइए इन नज़ारों का। Thank you.
जैसे ही हम अपने सीक्रेट लोकेशन की ओर बढ़े, सनराइज होने ही वाला था और वो नज़ारे में अपने शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा, पर चिंता मत कीजिए, मैं फिलहाल म्यूजिक चेंज करके आपको वो नज़ारे खुद दिखाऊंगा। नहीं लीगल मतलब लीगली आए हो ना, समझा नहीं मतलब आपके टर्म लीगली कोई रास्ता है या वे है वहीं से आए हो कोई? हाँ वो नहीं, बस वो समझ गया आपका, समझ गया आपका, समझ गया आपने बोलते बात खत्म, कोई नहीं डिलीट मारो फोटो, यहाँ जो भी है जो वीडियो बना रहे थे इसकी डिलीट मार दो, ये येलो जोन में आता है। नहीं मैं आपके बिल्कुल समझ गया, आपने बार बोला बस हम तो खत्म बात, हम तो यहाँ से निकल गए और बोली जा रही है तो उसे डिलीट कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, हम चल रहे हैं, आपने बोल दिया, मालूम है अलाउ नहीं है। नहीं सर आपने बोल दिया, बात खत्म। वहाँ से लेके सब फोर्स रहता है यहाँ। नहीं नहीं आशी क्या हुआ ना, हम लोग जब आए ना पांच छह लोग हम लोग यहाँ से खींचते गए, हम लोग उसके बाद में एंट्री हमने की। हाँ तो वैसे ही आ गए जब तुम लोग, अच्छा 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 लड़के ने जाके समझ गया समझ गया। नहीं नहीं भैया कोई नहीं, सॉरी सर। कहाँ से आए तुम लोग? दिल्ली से सर। दिल्ली वाले आते नहीं सर, सॉरी सर, क्या देखते हो इसमें आगे तुम? अरे सर ये रिफ्लेक्शन आती है वो सब तो अच्छा, वो एक इमेज आ जाती है अच्छी, और देखते भी नहीं है सर आप लोग सर रोज खा रहे सर। नहीं सर हम जा रहे हैं, कोई बात नहीं, थैंक यू सर, धन्यवाद। और फिर ये सफर हमने शाम को नाव पर बैठकर ताज और उसकी सुंदरता को निहारते हुए खत्म किया। हम यहाँ YouTube पे नए हैं और ये था हमारा पहला ट्रैवल ब्लॉग, तो प्यार बरसा दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।